आदर्श सिंध ब्रदर मंडल द्वारा चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी के अंतिम दिवस की शुरुआत भी आरती अरदास एवं पल्लव के साथ शुरू हुई। तत्पश्चात भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी को आमंत्रित करने वाले श्रद्धालु परिवारों के निवास पर पहुंचकर विकसित भारत के निर्माण की अरदास की गयी। आदर्श सिंध ब्रदर मंडल द्वारा चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य पर तीसरे दिवस निकाली गई प्रभात फेरी में भगवान झूलेलाल जी के भजनों पर श्रद्धालुओं ने समाज का प्रसिद्ध छेज नृत्य से अपने इष्ट देवता को प्रसन्न किया। प्रभात फेरी के समापन पर सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद एवं स्वल्पाहार का वितरण भी यहाँ पर किया गया। प्रातः काल में स्थापित किए गए बहिराणे साहिब जी का विसर्जन संध्या काल में भव्य शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ के साथ डीजे में झूलेलाल जी के भजनों का नृत्य करके किया गया। रात्रिकालीन कार्यक्रमों में भी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर एवं जीवंत रखने हेतु आयोजन किए गए। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी एवं सचिन अनिल थारवानी ने सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई और लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में समाज के सभी मतदाता शत प्रतिशत निष्पक्ष मतदान करें इसके लिए अपील की और अपने समाज के साथ अन्य समाजों को भी प्रेरित करने का काम किया। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मतदान करने हेतु सहयोग करने की बातें कही गई। चेटीचंड महोत्सव में हमने 3 दिन प्रभात फेरिया निकाली, जिसमे पहले दिन प्रभात फेरी का मुख्य जो संदेश था वो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर में था। द्वितीय दिन का श्वेत पोशाक में हमने आपसी भाईचारा एकता उसके लिए संदेश दिया। तीसरे दिन आज हमने कौमी एकता के मजबूती के लिए और मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए संदेश दिया। संध्या काल में भी बैराणा साहब का विसर्जन बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। जो भाई झूलेलाल धाम से बैराणा साहब निकल कर घासीदास नगर तालाब में जाएगा, जहाँ पूरी सिंधी समाज के लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे। इस वर्ष लोकतंत्र के महापर्व में मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए हमने अपने समाज के सभी सदस्यों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे अन्य समाज भी हमसे प्रेरणा लेके 100% मतदान करें, जिससे एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र बन सके, जिसे भारत देश हमारे पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। इस मौके पर भारत माता की जय वंदे मातरम एवं भगवान झूलेलाल के जयकारों से सारा शहर गुंजायमान होता रहा। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।